Ramnath's father is a journalist and writes for a daily newspaper in the city. He has never really accepted his son's decision. Ramnath ji, बचपन में बहुत ही विलक्षण प्रतिभा के लड़के थे। मुझे तो उनसे बड़ी-बड़ी आशाएं थीं। पढ़ाई में भी उनकी बड़ी अभिरुचि थी। विलक्षण इतने कि एक बार बता जो दिया, उसे तुरंत ग्रेस किया और फिर दूसरा पार्ट हमसे लेने के लिए तैयार हो गए। उसकी तेजी देखकर के मुझे उम्मीद थी कि यह कोई निश्चित बड़ा अधिकारी बन सकेगा, बड़ा कंपटीशन फेस कर सकेगा। दूसरा, इसका घर से कोई भी संबंध नहीं होना चाहिए, क्योंकि अघोरी जो है वो सिर्फ शमशान से ही संबंध रखता है, मित्रों से या घर से इसका कोई संबंध नहीं रहता। तो यह अघोरी को तो उचित नहीं है ये मार्ग अपनाना। अघोरी का मार्ग तो शमशान है, वो शमशान में रहेगा तो अघोरी कहलाएगा, अगर इधर उधर घूमेगा तो कौन उसे अघोरी कहेगा, क्योंकि साधु को तो घर से कोई संबंध ही नहीं। दीक्षा के बाद जो संबंध है घर का वो छोड़ देना चाहिए। अघोर साधना से मुझे स्वयं वितृष्णा रही है। मैं उसे बहुत अच्छी नजर से नहीं देखता, इसलिए कि उसमें तंत्र साधना की बात होती है, उसमें अनिष्ट की संभावना ज्यादा और इष्ट की संभावना कम होती है। वैसे मैं जानता भी हूँ कि ईश्वर की प्राप्ति अघोरपन से शायद असंभव सा है। कौन कहता है कि पथभ्रष्ट हो गया, कौन कहता है कि मैं अपने भक्ति के रास्ते से हट गया, लेकिन ऐसी बात है नहीं। मेरे को सिर्फ लगन है अपने मोक्ष की प्राप्ति, भगवान शिव की प्राप्ति। कि सिद्धियों का जो प्राप्ति होती है, इसमें मह का अहंकार आने से जो है वो पतन का रास्ता बन जाता है, जो कि इसमें रामनाथ में आया। जब इन्होंने हमारी आज्ञा नहीं मानी, जितनी ये सीढ़ियाँ चढ़ गए थे उतनी ये सब नीचे उतर के आ गए। अब जो है जब हम इनको देखते हैं तो इनके जीवन में हमें अंधकार दिखता है, हम निराश हो जाते हैं कि भगवान इसके जीवन में अंधकार ना दे और इसको सत्य मार्ग दे। और भविष्य में बस वही मसाल में रहो, भगवान भोलेनाथ का भजन करो, यही मेरा भविष्य है। इसके आगे नहीं हाजिरी भरना है, नहीं नौकरी, न चाकरी, न पैसा, नहीं किसी से लोभ, न मोह, किसी से कोई मतलब नहीं है। अगर कोई एक ये समझे कि लालची है, अघोरी बाबा लालची है, तो लालच एक ही बात की है, ईश्वर को प्राप्त करना, मोक्ष को प्राप्त करना, ज्ञान को प्राप्त करना, बस यही अपना एक। अगर लोभ अगर इसको समझा जाए तो यही लोभ है और दूसरा कोई लोभ नहीं। ना चाहिए संपत्ति, ना चाहिए किसी की रोटी, गंगा जल भी पी के रह जाऊंगा, इसमें किसी का टैक्स भी नहीं लगता।